नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे सूरज की यानी सन की। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा में तकरीबन 2500 बिलियन तारे हैं, जिनमें से सूरज एक है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य तत्व घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 111 गुना बड़ा है। इसका आयतन लगभग 13,00,000 गुना तथा भार 304,00,000 गुना अधिक है। सूरज का प्रकाश 3,00,000 प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की औसतम दूरी लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में तकरीबन 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी का 1/4 है। दोस्तों, अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सूरज ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन 72% और हीलियम 28% है। यह गैसों का एक विशाल गोला है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिनमें से 25% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सोख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 10 किलो है तो सूर्य पर आपका वजन 270 किलो हो जाएगा। सूर्य का रंग मूल रूप से सफेद है, लेकिन वातावरण के कारण ये हमें पीला दिखाई देता है। सूर्य पृथ्वी की सबसे बड़ी सोलर प्रणाली है। सूर्य पृथ्वी से इतना बड़ा है कि उसमें लगभग 12,00,000 पृथ्वी आराम से समा जाएगी। सूर्य की सतह पर 6,000 सेल्सियस तापमान पाया जाता है और उसके केंद्र कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के निचले धरातल को प्रकाशमंडल कहते हैं। सूर्य का यह भाग हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। दोस्तों, सूर्य पर हमें गहरे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे हम सूर्य कलंक कहते हैं। प्रकाशमंडल में कभी कभी तीव्र गहनता उत्पन्न होता है, जिसे हम सौर्य ज्वाला कहते हैं। दोस्तों, सूरज हमारी आकाशगंगा का चक्कर 226 से 251 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। आकाशगंगा और सूरज के बीच की दूरी लगभग 27,500 प्रकाश वर्ष की है। दोस्तों, सूरज के हर एक सेकंड में 1 खरब परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकलती है। सूरज केवल गैस से बना हुआ है, ये धरती जैसा ठोस नहीं है। पृथ्वी को अपनी धुरी के समक्ष चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है और सूर्य को अपनी धुरी के समक्ष चक्कर पूरा करने में तकरीबन 25 दिन का समय लगता है। पृथ्वी पर औसतम प्रत्येक वर्ष 5 बार सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के दौरान 150 अरब किलोमीटर दूर चमक रहे सूर्य की किरणें धरती पर इतनी तीव्र होती हैं कि आप इनकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश प्रति वर्ष में 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी तय करता है। दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर सूरज 76 दिनों तक रहता है। वहां 76 दिनों तक रात नहीं होती। वह महीना है मई से जुलाई के बीच का, जहां पर 2400 घंटे सूरज अपनी रोशनी को बिखेरा रहता है। दोस्तों,
कनाडा दुनिया का ऐसा मुल्क है जो हर दिनों बर्फ से ढका रहता है, लेकिन यहाँ के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गर्मी के दिनों में 50 दिनों तक सूरज लगातार चमकता रहता है। यहाँ रात नहीं होती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।